Hi everyone, my name is Venom Sekh and you are watching Cyber Sekh YouTube channel, and welcome to Metasploit Part 3 video. इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेलोड कैसे क्रिएट करना है और पेलोड आखिर होता क्या है. तो Metasploit Part 1 और Part 2 के वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, उस पर हम बताए थे Metasploit को कैसे इंस्टॉल किया जाता है. और Metasploit के सीरीज पे Metasploit Part 3 पे स्कैनिंग के वीडियोस आते हैं, बट स्कैनिंग के ऊपर हम नहीं बनाए हैं क्योंकि स्कैनिंग के वीडियोस पहले से ही मिलेगा एंडी हुक प्रो की तरफ से इसी चैनल पर. लाइव हैकिंग क्लासेस पे मिलेगा पहले पार्ट और सेकंड पार्ट पे स्कैनिंग के ऊपर है, आप देख सकते हैं. तो अब पेलोड आखिर होता क्या है, एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं. जैसे कि हम एक अटैकर हैं, हाँ, और हम एक पेलोड क्रिएट करते हैं, मतलब एक फेक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. वो एप्लीकेशन का डेवलपर वो अटैकर है, ठीक है. अब वो एप्लीकेशन को भेज देंगे हम अपने विक्टिम के पास, जो हमारा टारगेट है, जिसको हैक करना है, जिसको क्रैश करना है, जो भी करना है. अब वो क्या होगा कि वो उसे इंस्टॉल करेगा, ओपन करेगा, बट वो ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि वो फेक एप्लीकेशन है. लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो उल्टा काम करेगा, काम ये करेगा कि वो अपने डेवलपर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेगा अपने डेवलपर से, क्योंकि उसका कोडिंग ही कुछ अलग है. तो जो वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा वो मतलब एप्लीकेशन का काम है कनेक्ट होने की कोशिश करना. तो वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन ना कर रहा है काम कनेक्ट होने का. तो उस एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं पेलोड. अब क्या है कि पेलोड को क्रिएट कैसे करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखते हैं. एक मिनट, टर्मिनल ओपन करते हैं. टर्मक्स है ये. अब यहाँ पे कमांड देंगे msfvenom. अब पहला क्वेश्चन रहेगा ये msfvenom ये आखिर होता क्या है, तो बता देते हैं ये आखिर होता क्या है. msfvenom ये है कि इस पे आपको सारा चीज़ मिलेगा कि मतलब आउटपुट जो जनरेट होता है पेलोड का वो इसी के थ्रू होता है, msfvenom के थ्रू, और पेलोड जो जनरेट करते हैं वो भी इसी से होता है. तो सारा चीज़ हम लोग का जो कमांड्स रहता है वो सब इसके अंदर पे स्टोर रहता है. बैड करेक्टर्स हो गया, सब कुछ, नोड्स, सारा चीज़ हो जाता है इसके अंदर. अब हम लोग कमांड देंगे स्पेस हाइफन एच यानी कि हेल्प. एंटर देने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत कमांड्स हैं. अब यहाँ पे पहला दिख रहा होगा हाइफन एल यानी कि लिस्ट, पूरा लिस्ट दे देगा कि कितना तरह का पेलोड्स क्रिएट कर सकते हैं, एनकोडर्स, नोड्स, पेलोड्स, प्लेटफॉर्म, आर्किटेक्चर, इनक्रिप्टर्स, फॉर्मेट, ए टू जेड, सब कुछ मिल जाएगा. सेकंड पे है हाइफन पी यानी कि पेलोड, हम लोग पेलोड क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इससे स्कैनिंग भी किया जाता है और लिंक स्पैमिंग की वो भी किया जाता है. यहाँ पे हम लोग पेलोड क्रिएट कर रहे हैं तो हाइफन पी. इसके बाद है हाइफन एप फॉर्मेट, यहाँ देख सकते हैं जगह पे. इसके बाद हाइफन ई इनकोडर से यानी कि जो पेलोड होगा उसको अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए हम लोग इनकोडर से यूज़ करते हैं. जैसे कि आप ए बी सी डी लिखा हुआ है उसको अगर इनकोड कर देंगे तो कुछ अलग तरह का हो सकता है, ए टू थ्री, थ्री बी सी, कुछ भी, बैड कैरेक्टर्स, कॉमा, तो वो इनकोड हम लोग कर देते हैं. तो यहाँ बहुत से चीज़ें बताना शुरू करेंगे तो लेट हो जाएगा. तो पेलोड के फॉर्मेट पे आते हैं कि पेलोड को क्रिएट कैसे किया जाता है. तो ये रहा सिंपल पेलोड, हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. एक क्या है msfvenom ये बता दिए, क्या है हाइफन पी ये भी बता दिए. पेलोड, अब पेलोड किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, एंड्रॉयड के लिए या फिर विंडोज़ के लिए, तो हम कर रहे हैं एंड्रॉयड के लिए. तो यहाँ पे एंड्रॉयड टाइप की है, लिखे एंड्रॉयड स्लैश मिडलवेयर. अब मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर एक डायनेमिक एक्सटेंसिबल पेलोड है, मतलब ये पेलोड क्रिएट करता है डायनेमिक, अलग अलग तरह का पेलोड क्रिएट करता है. एक होता है स्टैटिक, वो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिक की बात कर रहे हैं. डायनेमिक मतलब एक्सटेंसिबल पेलोड की बात कर रहे हैं जो DLL इंजेक्शन स्टेजेस पे वर्क करता है, रन टाइम, नेटवर्क रन टाइम. ऐसा इसको ईजिली पे समझना है तो समझ लीजिए कि इससे अलग अलग तरह का पेलोड क्रिएट किया जा सकता है.
बट यहाँ पे हम लोग मीटर पीटर का पेलोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, यानी कि जो पेलोड है वो हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, किसके थ्रू? टीसीपी, HTTPS, UDP, हम लोग बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे TCP यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एल होस्ट, यानी कि लोकल होस्ट। यहाँ पे हम लोगों को अपना IP देना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है IP? तो इसके वीडियोस हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिल सकता है। इसके बाद ये जो 127 है, ये हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपना। ये बेसिकली लूप बैक IP एड्रेस है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपने सर्वर पर ही घूमते रहता है। इसके बाद यहाँ पे एल पोर्ट है, यानी कि हम यहाँ पे पोर्ट देंगे हमसे कॉन्टेक्ट की, जो हम लोग IP यूज़ करते हैं उस तरह का IP बहुत जगह रहता है। तो एक IP जो हम लोग मतलब पूरे वर्ल्ड पे है, तो जैसे कि आप 192.168. कुछ भी है तो ये सबका रहता है, समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट नंबर रहता है वो सबका अलग अलग रहता है, आप एक बार चेक कीजिए। और ये जो रहता है ये प्राइवेट IP रहता है, बट पब्लिक जो होता है वो डायनेमिक होता है। अब एक बार राउटर को ऑन ऑफ कीजिएगा तो आपका IP हर बार चेंज होते रहेगा, डायनेमिक रहता है। अब यहाँ पे है R, यानी कि वो एक सिंपल पेलोड क्रिएट करेगा, कोई इनकोडर्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं, बैड कैरेक्टर्स कुछ नहीं रहेगा, टाइम लिमिट कुछ नहीं रहेगा। ये SD कार्ड, ये लोकेशन है हम लोगों का कि पेलोड आखिर बन के सेव होगा कहाँ पे। आप चाहो तो स्टोरेज डाउनलोड वो भी कर सकते हो टाइप, यहाँ पे हम SD कार्ड की है। इसके बाद venom.apk, तो वेनम एक एप्लीकेशन का नाम है, यानी कि वो पेलोड का नाम है। आप कुछ भी दे सकते हो, कोई गेम का नाम विक्टिम को ललचाने के लिए। इसके बाद है .apk, वो हम लोगों का एक्सटेंशन है फॉर्मेट, जो -f के बारे बात किए थे थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे APK है, यानी कि एंड्रॉयड की मतलब एंड्रॉयड का ये फॉर्मेट है। अगर विंडोज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे .exe होगा, ठीक है। अब चलिए पेलोड को हम लोग क्रिएट करते हैं, कॉपी पेस्ट, पेलोड क्रिएट होगा। बट हम एक पेलोड ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर रखे हैं, हमको जल्दी से उसे डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट कर देते हैं। टेस्टिंग के लिए हम क्रिएट किए थे, ये रहा सेट, डिलीट भी नहीं होता जल्दी, हाँ हो गया डिलीट। ये डाउनलोड होगा, क्रिएट करेगा ये पेलोड, ये क्रिएट करने का काम है का। हाँ, तो हम लोगों का पेलोड क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन ने डिटेक्ट कर लिया उस पेलोड को, क्योंकि वो एक वायरस है, मलेशियस फाइल है, तो वो डिटेक्ट हो चुका है, यानी कि वो अनडिटेक्टेबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे हम, अगले वीडियो तो रहेगा कि विंडोज़ पर कैसे क्रिएट करना है पेलोड, जस्ट इसी तरह सेम टू सेम, बट फिर भी हम बता देंगे उस पर, क्योंकि बहुत से लोग को क्या है कि जो एंड्रॉयड यूज़र है वो विंडोज़ के बारे में नहीं देखते, जो विंडोज़ यूज़र है वो एंड्रॉयड के बारे में नहीं देखते ज़्यादा, मतलब कि वो लोग खुद को सोचते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ से हैकिंग कर सकते हैं, बट रियली बात ये है कि हम लोग एंड्रॉयड से हैकिंग, पूरी कंप्लीट हैकिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम कैंसिल कर रहे हैं, ओके करेंगे तो डिटेक्ट वो डिलीट हो जाएगा पेलोड। हम लोगों का पेलोड बन चुका है, यहाँ देख सकते हैं फाइल मैनेजर, स्टोरेज, ऑल फाइल, venom.apk, ठीक है, जो भी है। अब हम अपना MSF कॉन्सोल स्टार्ट करेंगे, MSF console, यहाँ से हम लोग लिसनर स्टार्ट करेंगे। अब जैसे अब कोई बोल रहा है तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो पागल है, वो बोल रहा है, कोई उसके लिए कोई चाहिए ना सुनने के लिए, क्योंकि वो सुन रहा है, एक बंदा है सुन रहा है, एक बंदा है बोल रहा है, तो कॉम्बिनेशन मैच खाएगा। तो इसी तरह हम लोग कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए यहाँ लिसनर स्टार्ट कर रहे हैं। अब पेलोड वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा, लिसनर तो होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे यूज़, यहाँ पे एक और कमांड देना यूज़ मल्टी, MULTI मल्टी स्लैश हैंडलर HANDLER। इसका काम ये है कि ये सारे सेशंस को ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है सेशंस, यानी कि आपने एक दिन में दो फ़ोन को हैक कर रखा है, सेम IP है 127, बट पोर्ट अलग हो सकता है, जो भी वो आपके मन पे है, तो वो सारे सेशंस को एक साथ एक पंच होल्डर पे रखता है, कंट्रोल करके रखता है। एंटर मारेंगे यहाँ पे, एंटर मारने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कुछ एक्सप्लॉइट मल्टी एंटर टाइप का, ये रहा।
अब यहाँ कमांड देना है सेट पेलोड, वही चीज़ देना है जो यहाँ पे दिए थे। लिसनर भी स्टार्ट करना है तो सेम टू सेम इस एड्रेस के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का ये एड्रेस है, समझ लेते हैं। एंड्रॉयड का पेलोड है ना, अब वहाँ पे विंडोज़ दे देंगे लिसनर पे तो काम नहीं करेगा। तो पहले तो पेलोड देना है, पेलोड नाम लोग सेट कर रहे हैं लिसनर पेलोड का। पेलोड एंड्रॉयड स्लैश मेरे ट्विटर रिवर्स करी यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। टीसीपी अब एंटर करेंगे, अब अपना एल होस्ट देंगे, अपना आईपी देंगे, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना है आप लोगों को। एल होस्ट क्या था, 127.0.0.1, अब एंटर, सेट एल पोर्ट एल पी यू आर डी, एल पोर्ट देना है, इसके बाद यहाँ पे देना है अपना पोर्ट 8080 था मेरा, एंटर ठीक है। अब यहाँ रन करना है डायरेक्ट, आप चाहो तो एक्सप्लॉइट भी टाइप कर सकते हो या रन, बट पेलोड रन करने के लिए दो कमांड ही यूज करते हैं। आई मीन टू से दैट लिसनर स्टार्ट करने के लिए दो कमांड, रन या एक्सप्लॉइट। अब यहाँ रन कर देंगे तो यहाँ पे बताया कि लूप बैक आईपी एड्रेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब इस पे पेलोड कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं अटैकर का डिवाइस है, पेलोड ओपन होगा, ओपन होगी, ओपन होने के बाद हम लोग आते हैं अपने टर्म्स पर, ये रहा मेरे ट्विटर आ चुके हैं, देख सकते हैं सेशन स्टार्टेड सेशन वन पे, तो ये सेशन वन अब रहेगा कंट्रोल पे मल्टी हैंडलर पे। अब यहाँ पे हम लोग कमांड देंगे क्वेश्चन मार्क कमांड, इसलिए क्वेश्चन मार्क दे रहे क्योंकि हमको कुछ आता नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स मिल जाएगा और इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि वो विक्टिम बोलेगा कि पेलोड है, मतलब वो उतने ना जानेगा वो पेलोड है या क्या है, ये रहा ये एप्लीकेशन मैन एक्टिविटी रहेगा पेलोड का नाम। अब इसको हमको हाइड करना रहेगा, अब वो तो समझ जाएगा ये कोई काम करने अनइंस्टॉल करने मांगेगा, तो अब ऐसा करना है कि इसको हाइड करना, हाइड करने के लिए क्या करेंगे, हाइड ए आइकन इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ ये हो गया, सॉरी कंट्रोल क्यों नहीं पे, ठीक है एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद ये मैन एक्टिविटी वाज हिडन और ये हाइड हो जाएगा कुछ देर में। हाइड हो गया, अब ये कहीं भी खोजेगा तो उसको मिलेगा नहीं। तो इस तरह से आप बहुत से कमांड्स यहाँ पे मिलेगा, जियो लोकेट को आप लोकेट कर सकते हैं किस जगह पे हैं, उसके कॉल डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट एसएमएस सब कुछ, ऑडियो उसका अगर उसके डिवाइस पे ऑडियो है वो भी प्ले कर सकते हैं। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे, एक दिन में अगर सारी चीज़ बता देंगे तो फिर क्या रहेगा, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, किल प्रोसेस ओके, एंटर, बन हो गया टर्मस। अब हम अपने पेलोड को अनइंस्टॉल मारते हैं, मैंने सेटिंग से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो तो बैकग्राउंड पे रन हो रहा है पेलोड। और एक बात ये कहने भूल गए, पेलोड जब तक ओपन रहेगा तब तक वो वर्क करेगा, जैसे वो बंद हो जाएगा तो उसके 5 मिनट बाद आपका कनेक्शन टूट जाएगा, यानी कि आप उसके डिवाइस को अब एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन हम बाद में देंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अभी पहले सेटिंग पे जाते हैं हम मैनेजमेंट। अब ये बोल आप लोग सोच रहे हो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम वो जो पेलोड रन किए वो हाइड कर दिए थे, तो वो हाइड किए थे तो अब यहाँ से हम उसको अनइंस्टॉल मार रहे हैं, वरना वो बैकग्राउंड पे रन होगा, ये तो एक मलेशियस है। अब हम लोग सीखेंगे पेलोड क्रिएट करने यूजर लैंड, इस पर क्या फ़ायदा है कि ये आपको रूट का परमिशन देता है,
बट ज़्यादा कुछ इससे भी हम लोग नहीं कर सकते, बट फिर भी बहुत से लोग इससे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब ये यूज़र लैंड होता क्या है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आखिर ये होता क्या है वीडियो। ये भी टर्मस की तरह ही है, पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड है साइबर से, एंटर मारते हैं, ये ओपन हो गया। अब रूट यूज़र पे जाते हैं, रूट यूज़र पे जाने के लिए सुपर यूज़र यानी कि SU, क्लियर कर दिए इसकी स्क्रीन। अब यहाँ इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब सेम टू सेम ये जो कमांड है ये पूरे कमांड को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, पेलोड डिटेक्ट हो चुका है, कैंसिल करते हैं, पेलोड बन चुका है। अब करना क्या है कि यहाँ पे पेलोड, लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि पेलोड वो खोजते रह जाते हैं। अब SD कार्ड हो या ना हो कोई टेंशन की बात नहीं है, पेलोड जो सेव होगा वो सेव होगा आपके स्टोरेज पर ही। ये रहा वेनम APK, रन करके भी दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। MSF console ये देख सकते हो, ये ओपन हो रहा है। यार इसमें बहुत टाइम लेता है, इसलिए टर्मस ही यूज करना चाहिए आप सभी को। हाँ तो ये ओपन हो गया इतने देर के बाद। अब वही करना है जो हम लोगों ने टर्मस पे किया था यूज, मल्टी हैंडलर, ये सारे कमांड्स हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। हाँ सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, सेट पे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा लूप बैक IP एड्रेस पे लिसनर स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग पेलोड को ओपन करते हैं, पेलोड कहाँ गया, सेम कंडीशन है, कुछ हार्ड नहीं है। ओपन होने के बाद इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, अभी ओपन होगा नहीं, हम पहले ही बोले थे ये फेक एप्लीकेशन है। अब SYS इनको करेंगे, सिस्टम इंफॉर्मेशन आ गया, सिस्टम इंफॉर्मेशन हैक हो चुका है। तो बस इसी तरह हम लोग एक्सेस ले सकते हैं किसी भी डिवाइसेस को। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे मालूम है आप सभी को ये ट्रिक्स पता है बट कमांड्स के बारे में पता नहीं रहता, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि कोई कमांड्स अगर मिला है तो बस उसे रट लेना है, रट के इसके बाद क्या होता है कि याद हो जाता है, याद करने के बाद जब आप लोग टाइप करते हैं तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। अब जैसे L host L port, सब ने रट लिया है कि पहले एल होस्ट होता है फिर एल पोर्ट होता है। कभी कोई ट्राई किया है कि पहले एल पोर्ट करना है फिर एल होस्ट, तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो -p है, हाँ ये जो -p जो हम लोग पेलोड यूज़ करते हैं ये सेट है, ये आगे ही रहेगा।
तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कमांड्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो विंडोज़ पे रहेगा कि विंडोज़ को कैसे क्रिएट करना है पेलोड। थैंक यू।